नमस्कार, मैं कंचन सिंह राजपूत के केआर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कटारिया चौराहे पर युद्ध, कांग्रेस के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी का पुतला या दहन, जमकर हुई कांग्रेसी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झूमा झटकी। नेताओं और पत्रकारों के कॉल रिकॉर्ड जासूसी मामले में डबरा कटारिया चौराहे पर आज गुरुवार की शाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने युद्ध, कांग्रेस के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों की खूब झूमा झटकी हुई। पुलिस ने पानी फेंक कर जलते हुए पुतले को बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बड़ी जद्दोजहद के बीच पुतला दहन कर दिया और जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने कहा कि मोदी सरकार जिस तरह से कोल टेप कर हमारे नेताओं पत्रकारों की जासूसी कर रही है, यह बिल्कुल गलत है और यह लोकतंत्र की हत्या मोदी सरकार द्वारा की जा रही है। हम इस कृत्य के लिए मोदी सरकार की घोर निंदा करते हैं और इसी को लेकर आज पुतला भी दहन किया है। डबरा से अभिषेक राणा की रिपोर्ट। लोकतंत्र में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। सरकार कोई भी हो ये बहुत लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। और ये व्यक्तिगत जो हमारा लोकतंत्र का जो आधार है वो क्या है, जब आप उसको ही खत्म कर दोगे, बोलने की आज़ादी खत्म कर दोगे, अगर आप इस तरह से टेपिंग कराओगे, जासूसी कराओगे, चाहे वो पत्रकार जगत हो, चाहे वो राजनीतिक जगत हो, चाहे वो अधिकारी जगत, ये कहीं से कहीं तक न्यायोचित नहीं है। और सिर्फ ये विषय ये नहीं है, आज हमारे जीतू राजौरिया जी हैं, विधानसभा के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में लगातार ये कार्यक्रमों की श्रृंखला चल रही है। आज का कार्यक्रम भी जीतू राजौरिया जी के नेतृत्व में है, हम सब उसमें शामिल हैं। और निश्चित रूप से जब जब सरकार कोई गलत कदम उठाएगी, तो चूंकि हमारा दायित्व, हम आज विपक्ष की भूमिका में है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, हमारा दायित्व है कि सरकार के गलत कामों को जनता के सामने उजागर करें और उसकी लड़ाई लड़ें। हम जनता के हितों की लड़ाई लड़ेंगे। आज पुतला दहन किया है, कल कुछ और भी करना पड़ा वो करेंगे। जहाँ तक सवाल है, अभी आपने पूछा कि पुलिस पुतला रोक रही थी, ये पुलिस का कर्तव्य, ये उनका काम है रोकना, हमारा काम है पुतला दहन करना। हम तुम्हारे हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों ने पुलिस की तमाम जद्दोजहद के बाद पुतला दहन किया। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।